तो उत्तराखंड के कुमाऊं से ना हमारे पास एक एलिवेशन डिजाइनर निकला था जो कि एक होम स्टे का था और उनका किस तरीके का टेस्ट था, किस तरीके से डिजाइनिंग करके दिया, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे ना, ये वाला पोर्शन था इनका फ्रंट, ठीक है। फ्रंट में आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका पोर्च हो गया और फिर यहाँ पे आपकी विंडो प्रोवाइड कर रखी थी, यहाँ पे गेस्ट रूम की, ये आपका टेस्ट टॉयलेट आ गया, आपका डोर आ गया और यहाँ पे आपकी गेस्ट रूम की विंडो हो गई और ये आपका ड्रॉइंग रूम हो गया। तो इस तरीके से फ्रंट था, लेकिन इनका जो टेस्ट था वो थोड़ा सा स्लोपी टाइप से था। इनका टेस्ट किस तरीके से था अब वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए इस तरीके से फ्रंट पे स्टोन की क्लैडिंग हो, थोड़ा सा स्लोपीनेस हो एंड देन फिर नेक्स्ट इन्होंने फोटो जो शेयर करी थी वो भी सेम यही थी। इसमें भी आप देख रहे हैं कि स्टोन जो है यहाँ पर क्लैडिंग हो रखी है। फिर नेक्स्ट फोटो में देखते हैं तो अंदर से कुछ इस तरीके से आपका वुडन टाइप का हो, लेकिन इंटीरियर का तो इसमें था ही नहीं, फ्रंट का ही था पार्ट। तो फ्रंट के रेफरेंस में जो नेक्स्ट फोटो उन्होंने शेयर करी थी ये भी इंटीरियर की थी, फिर ये भी इंटीरियर की थी। नेक्स्ट फोटो में आप देख रहे हैं तो इस तरीके से आपका, क्योंकि बनना सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था तो ये मॉडर्न हो गया। तो बेसिकली मॉडर्न और ट्रेडिशनल इसके बीच का बनना था, और मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों को जब आप मर्ज करते हैं तो वो चीज को हम बोलते हैं कंटेम्प्ररी। और बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे भी हैं जो कि कंटेम्प्ररी थीम को ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मिला के ट्रेडमो बोल के कि ट्रेडमो हमने बनाया ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंटेम्प्ररी को ही हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ओवरऑल टेस्ट को समझ लिया आपने कि किस तरीके से इनका टेस्ट था, ओवरऑल आपको प्लान भी पता चल गया। अब हम चलते हैं इसके डिजाइन की तरफ। तो पहले जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट पे आपका स्टोन की यहाँ पर जो है वो क्लैडिंग कर दी गई है, और स्टोन का बेसिकली इसलिए यूज करा हुआ है कि आपको पहाड़ों पर स्टोन आपको इजिली मिल जाता है, लोकल मटेरियल है तो इसमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आता। फिर विंडो आपका नॉर्मल ग्लास का ही है, आपका नेचुरल लाइट ज्यादा से ज्यादा है। ये आपका यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर डोर आ गया, ये भी आपका सेम ग्लास आ गया और ये आपका डोर आ गया, और ये जो आप देख रही है एल शेप में यहाँ पर जो है आपका विंडो प्रोवाइड करा हुआ है। टॉप पर भी जो है आपका विंडो आ गया और यहाँ पर फ्रंट पे आप देखेंगे तो ये शेड टाइप से प्रोवाइड कर रखा है और ये ऊपर टाइल्स आ जाएंगी, ये इसलिए कि अगर बाई चांस बारिश वारिश आती है तो पानी करके नीचे की तरफ जो है यहाँ पर आ जाए। और फ्रंट पे जो आप देख रहे हैं ये जो चीज है, ये चीज यहाँ पे आपका एचपीएल या फिर एसीपी में भी जो है आपकी इजिली बन जाएगी। एंड फिर देन ऊपर भी जो यहाँ पर आपका खपरेल आ गया सेम, और इसका मटेरियल सेम है। और जो सीलिंग आप देख रहे हैं सीलिंग के नीचे भी आपका एसीपी शीट भी लग जाएगा, एचपीएल भी लग जाएगा, यहाँ पे साथ में प्रोफाइल लाइट का यूज यहाँ पर कर रखा है। फिर इसी का ही दूसरा व्यू अगर आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये इसका सेकंड व्यू है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम यहाँ पे स्टोन का ही जो है वो क्लैडिंग यूज हो रखा है, और ये आपका एसीपी या फिर एचपीएल ये दोनों यूज हो रखता है। यहाँ पे आपका सेम आपका स्टोन और ये भी आपका सेम वही मटेरियल है वाला मटेरियल जो कि यहाँ पे सीलिंग में जो यूज हो रखा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें दो या तीन मटेरियल्स का ही ज्यादातर यूज हो रखा है। नंबर वन हो गया आपका स्टोन जो कि लोकली आपको मिल जाएगा, और दूसरे नंबर पर हो गया आपका एसीपी एंड एचपीएल, इनमें से एक मटेरियल चूज करके उसके दो कलर आपका वुडन और सेकंड हो गया आपका ये ग्रे, तो ये दोनों यहाँ पर यूज कर रखे हैं जो कि फैब्रिकेटेड मटेरियल है, इजीली इंस्टॉल हो जाता है, वहां पर नॉर्मल जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ओवरऑल ये खपरेल टाइप का यहाँ पर डिजाइन बन रहा है। और इस व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि स्टोन के बीच में यहाँ पर जो है एक ग्लास विंडो एल शेप में यहाँ पर दे रखी है, जिससे कि आपका जो इस डायरेक्शन से प्रॉपर आपको नेचुरल लाइट अंदर की साइड में मिले। और तो इस चैनल पर हम इस तरीके का कंटेंट रेगुलर लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और तो फ्रंट एलिवेशन के डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर हमने डिटेल्ड एक कोर्स भी क्रिएट कर रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।